नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विकार डिस्ले, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बफर टूल के बारे में। सो अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए या खुद के लिए सोशल मीडिया शेड्यूलिंग करते हैं सोशल मीडिया करते हैं तो बफर एक बहुत ही यूजफुल टूल है सोशल मीडिया शेड्यूलिंग करने के लिए और आपका ओवरऑल सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। सो आज हम टूल देखने वाले, टूल किस तरह से काम करता है, इसकी प्राइसिंग क्या है और इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे उनका जो मेन मैसेज है वही है कि सिंपलर सोशल मीडिया टूल्स फॉर ऑथेंटिक इंगेजमेंट। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये इनका जो फ्री प्लान है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ये 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलता है और बाद में इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हो। और हम नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो टूल है 75,000 से ज़्यादा कंपनीज यूज़ करती है, जिसमें शॉपिफाई, स्पॉटिफाई ऐसे बड़े बड़े नाम्स भी है जो बफर का यूज़ करते हैं उनका सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। सिमिलरली हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, आप कर सकते हो। तो आपका जो कंटेंट होता है उसे पब्लिश करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। सेकंड है, आप जो भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन करते हो, अलग अलग आप जो एक्टिविटीज़ करते हो आप उसे प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो आपको वहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, वहाँ पर आपको इंगेजमेंट क्या मिल रहा है। तो एनालाइज जो होता है आपको कैंपेन का जो परफॉर्मेंस आपको जो चेक करना है आप इसके थ्रू इजिली कर पाओगे। सिमिलरली अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो विजुअली प्लान एंड शेड्यूल और सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये इनका मेन है। मतलब आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं आप देख सकते हो टूल के अंदर कि हमने नेक्स्ट 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए क्या प्लान किया है और आप उसे विजुअली इजीली चेक कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छा टूल है। बेसिकली हम सबसे पहले हम इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। तो प्राइसिंग पे हम जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइसिंग है करेंटली डॉलर्स के अंदर है। जो इनका प्रो प्लान है वो $15 पर मंथ के, फॉर अप्रॉक्सली आपको ₹1500 का पड़ेगा प्लान है, 1200 से 1500 का मंथली। और जहाँ पे आपको 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलते हैं, आप इसमें 100 सोशल मीडिया की जो पोस्ट है शेड्यूल कर सकते हो और आपको इसमें 1 यूज़र मिलता है। सिमिलरली अगर आप प्रीमियम प्लान पे जाते हो तो यहाँ पे आपको $65 पर मंथ पे करना है, आपको यहाँ पे सेम 8 अकाउंट मिलते हैं लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट होती है आपको 2000 मिलती है, जबकि आपको $15 के प्लान में सिर्फ 100 पोस्ट मिलती है। सो अगर आप ये प्लान सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे 2000 सोशल पोस्ट होती है शेड्यूल कर सकते हो और यहाँ पे आपको 2 यूज़र्स मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 2 यूज़र्स होंगे, आप उनका यूज़ करके यूज़ कर सकते हो और आपके आपकी जो भी टीम है उसमें 2 पर्सन इसमें लॉगिन कर सकते हैं और वो इसके अंदर सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल यूज़र्स भी यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट प्लान आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है $99 पर मंथ का। यहाँ पे 25 आपको अकाउंट्स मिलते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 2000 सोशल पोस्ट मिलती है और आपको यहाँ पे 6 यूज़र्स मिलते हैं। ये जो प्लान है ये एजेंसी के लिए है। सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं तो सिनेरियो में प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 25 अकाउंट्स मिल रहे हैं। सो आप किसी भी क्लाइंट के लिए 3 से अगर आप 4 अकाउंट मैनेज करते हो तो आपका इस प्लान के अंदर आपके 5 जो सोशल मीडिया के क्लाइंट्स होते हैं आप उसे इजीली मैनेज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हर प्लान के नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट 14 डे फ्री ट्रायल। तो आप किसी भी प्लान को यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड या आपको किसी तरह की बिलिंग डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। और बाद में जब आपको प्लान ख़त्म होता है और आप उस समय अपग्रेड नहीं करते, पे नहीं करते, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो प्लान है वो फ्री प्लान पे चला जाता है जहाँ पे आपको 3 सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिलते हैं और जहाँ पे आप 10 सोशल पोस्ट आप शेड्यूल कर सकते हो और वहाँ पे आपको सिंगल यूज़र मिलता है। सो फॉर एग्जांपल अभी हम जो इनका $15 पर मंथ का जो प्लान है ये चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टअप फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन करने के लिए और आप यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो अकाउंट है मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में कि हम इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है क्रिएट किया हुआ है, अभी हमें डिटेल्स फिल करनी है कि आपने टूल के बारे में कहाँ से सुना। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं सोशल मीडिया कहाँ से सुना, गूगल सर्च। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल सर्च डाल देता हूँ, हॉट ऑप्शन बेस्ड डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस रिगार्डिंग है मुझे आंसर नहीं करना भाई, और सिमिलरली मुझे इसका भी आंसर नहीं करना। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया यहाँ पे बफर का जो डैशबोर्ड है लॉगिन आपको दिखाई दे रहा होगा और सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमसे पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं आपको कनेक्ट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप खुद के लिए या जो भी क्लाइंट के लिए करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके क्लाइंट्स के या खुद के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। जैसे हमने कनेक्ट पे क्लिक किया हमें यहाँ पे इस तरह ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे फेसबुक का पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम बिजनेस, ट्विटर, लिंक्डइन पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल, अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ फेसबुक का पेज कनेक्ट कर रहा हूँ, सिमिलर वे को फॉलो करके अब आपके अलग अलग अकाउंट्स पर आप कनेक्ट कर सकते हो। हमने फेसबुक पेज पर क्लिक किया है तो हमने इस तरह से यहाँ पे हमारा जो फेसबुक का जो पेज है हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है।
अब हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पेज है, हमने यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया है, कनेक्ट दिस पेज टू बफर, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे बफर में कनेक्ट किया, आपको यहाँ पे दो टैब दिखाई देगी। सबसे पहली टैब है पब्लिश की, यहाँ पे हमें इसकी टूर नहीं चाहिए, इसमें ऐसे बंद कर देता हूँ। फर्स्ट टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पब्लिश की, और सेकंड टैब एनालाइज की। तो पब्लिश की टैब पर जाकर हमें बेसिकली हमें पे शेड्यूलिंग कर रहे हैं, हम कौन कौन सी पोस्ट शेड्यूल कब करना चाहते हैं वो है। और एनालाइज के टैब हम जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने जो पास्ट में जो पोस्ट की थी, शेड्यूलिंग किया था, उसका परफॉर्मेंस हमें हम चेक कर सकते हैं। तो भी हमारे नया अकाउंट है इसलिए हमें किसी भी तरह का डेटा हमें देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बफर आप लॉन्ग टर्म से यूज़ करते हो, आप शेड्यूलिंग करते हो, तो उस पोस्ट का एंगेजमेंट यहाँ पे आप देखिए आप चेक कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे फेसबुक का जो हमारा पेज है डिजी रिक्शा, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट क्यू दिखाई दे रहा है, भाई ये क्यू है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है टुडे अक्टूबर 1, 5:55 का टाइम दिया हुआ है। कल के लिए उन्हें 2 स्लॉट दिए हुए, मॉर्निंग में 11 बजे का और शाम को 6 बजे का, सेम इस तरह से 2 स्लॉट्स हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ भी पोस्ट करते हैं और इसे हम शेड्यूल को ऐड टू क्यू कर देते हैं, तो नीचे जो टाइम दिया है उस टाइम के हिसाब से हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे टेस्ट मैसेज डालता हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग बफर अकाउंट ऐड टू क्यू। तो जैसे मैंने इसको ऐड टू क्यू किया, आप देख सकते हो आज का जो स्लॉट है वो फिल हो चुका है। सिमिलरली अब जितने मैसेज यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के मैसेज यहाँ पर डालेंगे, उस तरह से आपका यहाँ पे जो क्यू है वो फिल होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरी जो पोस्ट है 5:55 पे ये वाली मेरी पोस्ट होने वाली है, और ये पेज किस पोस्ट होने वाली है, डिजी रिक्शा के फेसबुक पेज के ऊपर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सिमिलरली ये डे का व्यू है, अगर हम यहाँ पे मंथ पे जाते हैं, वीक पे जाते हैं, तो मैं वीकली व्यू भी चेक कर सकते हैं और मंथली व्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो इस तरह से मैं वीकली व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे सिमिलर अगर मंथली में क्लिक करता हूँ तो मैं मंथली व्यू हमारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए हमें यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की, उसको हमने क्यू में ऐड कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे शेयर नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो पोस्ट है तुरंत पब्लिश हो जाएगी, हमें अगर मुझे क्यू में नहीं रखना चाहता तो इस तरह से। सिमिलरली हम यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमने जो रिसेंटली जो पोस्ट शेयर की थी, ये आपको पोस्ट प्रीवियस हमारा डेटा दिखाई दे रहा है कि हमने 28 जनवरी को पोस्ट किया था इस बफर का यूज़ करके। तो उस पोस्ट में हमें क्या क्या एंगेजमेंट मिला, हमें कितनी लाइक्स मिली थी, हमारी रीच क्या थी। तो एनालिटिक्स की टैब में आपने जो भी रिसेंटली पोस्ट किया होगा, पास्ट में जो भी पोस्ट किया होगा, वो डेटा में आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको वहाँ पे एंगेजमेंट क्या मिला, आपको वहाँ पे लाइक्स कितनी मिले एक्सेट्रा। अगर हम ड्राफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये उन्हीं के लिए काम का है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें $65 का या $99 का प्लान लिया होगा, जहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स आपको मिलते हैं, तो उसी सिनेरियो में प्लान आपके लिए काम का है। सो फॉर एग्जाम्पल आप ड्राफ्ट में जाके मल्टीपल जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है आप एडिट कर सकते हो, और आपके टीम में से कोई दूसरा बंदा भी यहाँ पे पोस्ट डाल सकता है, वो उसे अप्रूव कर सकता है। तो काइंड ऑफ अगर आपके पास मल्टीपल लोगों की टीम है सोशल मीडिया के लिए, तो उस सिनेरियो में आपके लिए काम का रहेगा, और उसके लिए आपको $65 का या $99 का प्लान लेना ही पड़ेगा, तभी आप इस फीचर का यूज़ कर पाओगे। अगर आपने से $14 का प्लान लिया हुआ है, $15 का प्लान, तो उसमें आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हमने सेटिंग पे क्लिक किया, हमें दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे मिल रहा है लिंक शॉर्टनिंग का, कि भाई हमने जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं वहाँ पे लिंक शॉर्टनर कौन सा यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बफर का जो खुद का शॉर्टनर है bub.ly वो है। अगर आप बिटली यूज़ करना चाहते हो, आप jet.mp यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर इजिली यूज़ कर सकते हो। करंटली मैं इसको सेम वही रखने वाला हूँ। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल एनालिटिक्स कैंपेन ट्रैकिंग। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो, ऐसे आप इजीली कर सकते हो। करेंटली इनेबल हमने ऐसे कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल जब भी हम यहाँ पे किसी तरह की पोस्ट करेंगे, तो उसकी जो यूआरएल होगी उसमें ऑटोमेटिक यूट्यूब जो टैग्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपको पता नहीं कि भाई यूट्यूब पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो इस पर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया था कि यूट्यूब पैरामीटर्स होते क्या है, उससे आपको सोशल मीडिया में क्यों यूज़ करना चाहिए और उसके बेनिफिट कौन से हैं। तो यहाँ से हम यूट्यूब पैरामीटर जो होते हैं गूगल एनालिटिक्स के लिए, वो यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शफल क्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम जो भी हमने क्यू में पोस्ट डाली थी, हम उसे यहाँ से इजिली शफल कर सकते हैं। फिर हमें अभी शफल नहीं करना, तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेक किया। सिमिलर वे अगर मुझे मेरे दूसरे अकाउंट्स ऐड करने हैं, तो यहाँ से मैं कनेक्ट इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकता हूँ, ट्विटर कनेक्ट कर सकता हूँ, और अगर दोबारा मैंने सोशल मीडिया पर जाता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ से जाके मैं इजिली मेरी जो अलग अलग पोस्ट थी, अलग अलग जो अकाउंट्स थे, मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ऐड अंदर सोशल अकाउंट, तो यहाँ से मैं ट्विटर का या लिंक्डइन अकाउंट में ऐसे इजिली मैं ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा क्यू है, हम इस क्यू को चेंज करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो टाइमिंग है टाइम चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें बेसिकली करना क्या है, हम एडिट पे क्लिक करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे एड की थी, क्रिएट की थी टेस्टिंग बफर अकाउंट की, यहाँ पे शोकेस हो रही है। सिमिलरली अगर हम इस जो क्यू है यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ है, हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ,
तो डायरेक्ट पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए भी यहाँ से मैं पोस्ट डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मंडे के लिए पोस्ट शेड्यूल करनी है, सैटरडे के लिए पोस्ट शेड्यूल करनी है, डायरेक्ट मैंने सैटरडे पे गया उस टाइम जोन पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके उस पोस्ट को मैं पब्लिश कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ से अगर मुझे टाइम चेंज करना है शेड्यूलिंग का, तो एडिट पे क्लिक करके मैं ऐसे इजीली मेरा टाइम भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जो हमारा जो क्यू है उसमें हम जाके पोस्ट ऐड कर सकते हैं। वह हमें चेक क्या करना है, हमारा जो क्यू का जो टाइमिंग है हमें ये चेंज करना है, तो इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं मुझे जानना है। तो उसके लिए बेसिकली करना क्या है, हम सेटिंग्स में जाएंगे, हम यहाँ पे पोस्टिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग दिए हुए हैं हर दिन के लिए। मंडे का टाइमिंग दिया हुआ है, ट्यूसडे का टाइमिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मंडे को यहाँ पे 11 बजे का टाइम स्लॉट अवेलेबल है और सिमिलर वे शाम को 5 बजे के 5 बजे का टाइम यहाँ पे अवेलेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं संडे के हमें कोई पोस्ट नहीं करनी, सिमिलरली हमें सैटरडे को सिर्फ एक ही पोस्ट करनी है, तो यहाँ से मैं जो कि हमारा क्यू का जो टाइमिंग है उसे हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे 5 की जगह मुझे 4 बजे का टाइम रखना है यहाँ पे, तो भी मैं ऐसे इजीली जाकर चेंज कर सकता हूँ। मतलब तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे क्यू है हमारा, क्यू का जो टाइमिंग है ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं मंडे में चाहता हूँ कि मंडे के दिन हम एक ही पोस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक क्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कल टुमारो के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। अगर हम अपने जो स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्राइडे के बाद सैटरडे के लिए एक ही पोस्ट है और संडे यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमने संडे हमने ऐसे रिमूव कर दिया था। तो यहाँ से इजीली आप यहाँ से क्यू के जो टाइमिंग होता है आप इजीली सेटिंग्स में जाके अपडेट कर सकते हो, पोस्टिंग शेड्यूल में जाके। तो मैं आशा रखता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया बफर यूज़ करना कितना ईजी है। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन अप करना है, आपके सोशल मीडिया के आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, आपको क्यू में जाना है और आपको यहाँ पे आपको जो मैसेजेस हैं आपको शेड्यूल करने हैं और आपको यहाँ से शेड्यूल करने हैं, पोस्ट करना है। तो इस तरह से आप बफर का यूज़ करके आपके जो अकाउंट्स सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, उन पे सोशल मीडिया प्लानिंग कर सकते हैं और शेड्यूलिंग कर सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ के लिए। मैं आशा रखता हूँ आपको अच्छा वीडियो पसंद आएगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।